एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल न्यू टर्न। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जेई और नीट से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज़, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, आंसर की सोल्यूशन, डिफिकल्टी लेवल, कौन से पेपर का कैसा था, वो सब कुछ आपको सबसे जल्दी और सबसे ट्रू इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और आपका काम हो जाएगा। तो अभी आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक जो है कि हमारा जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है अप्रैल वाला या नहीं होने वाला या पोस्टपोन होने वाला है। सबसे पहले कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चों का डाउट था कि कैंसिल होगा क्या, कैंसिल होगा, तो कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि कोविड के जो केसेस हैं, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज़्यादा केसेस अभी हैं। प्लस यहाँ पे म्यूटेट यानी कि बहुत अलग टाइप का कोरोना वायरस की जो सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो चुका है। तो बच्चों का ये भी डाउट था कि पिछली बार तो सितंबर में जब बहुत ज़्यादा इतने ही केसेस थे, जी नहीं, इतने केसेस नहीं थे, अभी ज़्यादा केसेस हैं। तो जब तब इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके कंपेरेटिवली, ठीक है। तो आपके जेई और नीट के पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले हम जेई की बात करेंगे और फिर हम नीट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड्स, जो कि सीबीएसई एक नेशन वाइड बोर्ड है, पूरे देश में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उन्होंने ही अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन और कैंसिल करवा दिया है तो जेई मेंस भी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये नहीं बोलूँगी कि वो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूज़ का सोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया ये चीज़। दूसरा एक और हमारे पास न्यूज़ सोर्स है, उसने ये बोला है कि अगर आपका NTA 18 अप्रैल से लेकर अप्रैल तक आपका जो एडमिट कार्ड है जेई मेंस का, अगर वो रिलीज़ नहीं करता है, इसका मतलब आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है, ठीक है। ये कॉलेज देखो ने हमें बताया है, इसका जो न्यूज़ सोर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि CBSE के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सबके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो सब कैंसिल हो चुके हैं। अगर ये एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए इन स्टेट्स में, तो ये स्टेट्स जेई मेंस कैसे कंडक्ट करवाएगी, है कि नहीं। अगर उन्होंने अपने खुद के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए तो वो लोग जेई मेंस कंडक्ट करवाने के भी विरोध होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ समझिए कि जेई मेंस पोस्टपोन होना ही चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, प्लस स्टेट्स अलाउ नहीं करेंगे जेई मेंस होने के, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है आपकी, ठीक है। तो अगर आपका जेई मेंस पोस्टपोन होता है, वैसे भी 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसकी डेट थी, अगर वो पोस्टपोन होता है तो वो मई में शिफ्ट होगा, मई वाली जो शिफ्ट होगी वो जून में शिफ्ट होगी, ठीक है। जून में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं 12th के, वो होने के बाद ही फिर नीट हो पाएगा, क्योंकि उसके बीच में तो होने से रहा, तो जून से जुलाई एक महीना पूरा लग जाता है CBSE के बोर्ड्स को होने के लिए। तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई तक होगा, अगस्त का एक महीना ब्रेक देंगे, सितंबर में ही होगा, तो आपका नीट भी पोस्टपोन हो जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि CBSE ने अपने बोर्ड्स पोस्टपोन किए हैं, तो ICSE जो कि खुद एक नेशन वाइड बोर्ड है, वो भी पोस्टपोन करने का सोच रहा है, उनका भी डिसीजन इस वीक में आने वाला है। तो अगर ये सारी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई हैं बोर्ड की, पोस्टपोन हो जाएंगी, कुछ स्टेट्स में कैंसिल हो चुकी है, नहीं लेने वाले हैं या पोस्टपोन कर चुके हैं, तो कैसे आपकी जेई मेंस या नीट होगी, ठीक है। हम सब आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं और कुछ भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ अपडेट रखने की ही कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सबको पता लगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, पोस्टपोन होए चाहे नहीं होए, एग्ज़ाम तो आपको देनी ही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।